हेलो स्टूडेंट्स कंटिन्यूइंग द स्टेट गैसेज स्टेट में रियल गैस हमने पढ़ लिया बट uh, हमने कुछ क्वेश्चंस नहीं लिए उसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मॉडल क्वेश्चंस के जो हमने थ्योरी पढ़ी है उनका एप्लीकेशंस किस फॉर्म में देखें आईआईटी मेन या आई एडवांस्ड के जो पेपर होते हैं उनमें तो क्वेश्चन जो हैं एप्लीकेशन्स के फॉर्म में आते हैं तो वी हैव टू लर्न द एप्लीकेशन ऑफ दोज कॉन्सेप्ट इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो लेट्स टेक सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन रियल कैसेज तो क्वेश्चन ऑन रियल कैसेज बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेते हैं मान लो जैसे क्वेश्चन ये है व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस ओ टू गैस कैन बी फिल्ड इन वन लीटर वेसल एट वन एटमोसफियर एंड थ्री हंड्रेड कैलविन फ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज पॉइंट मान लो एट दी अवाहो अंडर दीज कंडीशन मान लो ये क्वेश्चन एक सिंपल सा सवाल है ये इट इज ऑल इजी क्वेश्चन व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन कैन बी फिल्ड इन वन लीटर वेसल एट वन एटमोसफियर एंड थ्री हंड्रेड कैलविन इफ द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज अंडर तो ऐसे में बहुत सीधा सा फॉर्मूला लगता है पी वी इज इक्वल टू जेड इन टू एनआरटी करो अप्लाई अब जरा देखो इसमें प्रेशर uh, दिया हुआ है वन एटमॉस्फेयर वॉल्यूम है वन लीटर जेड की वैल्यू पॉइंट एट मोल्स होते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोल और मास थर्टी टू इंटू आर की वैल्यू एक बट आप बारह ले लो कुछ नाक दिया हंड्रेड तो जरा देखना इसको बारह से ये पच्चीस बार कैंसिल आउट हो गया ट्वेंटी फाइव टाइम्स और आठ से ये जीरो यहाँ लगा दो तो आठ चार फोर्टी टाइम्स तो फिर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया जरा देखें तो तो 1. कितना पांच थ्री जीरो सिक्स वन पॉइंट सिक्स ग्राम ये हुआ ना एक बार चेक कर लो जरा हा वन इंटू वन इंटू पॉइंट एट जेट की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है इंटू मास ऑफ ओ टू अपॉन थर्टी टू यह हो गया एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना दैट्स इट दिस इज योर आंसर सो दिस मच मास ऑफ ऑक्सीजन कैन बी फिल्ड अंडर दीज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज पॉइंट एट चलो और क्वेश्चन लेते हैं मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिस इज ए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या क्वेश्चन क्या है मैं डेटा ले लेता हूं क्वेश्चन का न्यूमेरिकल डेटा है हाँ, फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ रियल गैस फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रियल गैस ग्राफ ऑफ ग्राफ ऑफ जेड वर्सेस पी Was plotted then at very large and that, then at very high pressure, high pressure slope was observed to be slope was observed to be 0 0.01 atmosphere to the power minus 1 at the same condition at the same condition if a graph is plotted if a graph is plotted between pv versus p PV versus p then for 2 mole of gas then for 2 mole of gas y intercept is found to be इंटरसेप्ट मतलब वाई एक्सेस पर इंटरसेप्ट इज फाउंड टू बी इज फाउंड टू बी फोर्टी लीटर एटमोस्फियर फाइंड एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ गैस पर मोल एंड ऑल्सो साइज ऑफ साइज मतलब रेडियस रेडियस ऑफ गैस मॉलिक्यूल मान लीजिए क्वेश्चन है दो क्वेश्चन ने क्या कहा फिक्स क्वेश्चन लिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है बट ये आसानी है सवाल फॉर ए फ रियल गैस वेन ए ग्रफ जेड पी वॉज प्लॉटेड वेरी हाई प्रेशर पर स्लोपीरो तो से मिल गई आपको याद हो हमने ग्राफ बनाया भी था जेड वर्सेस पी में वट एवर बी द गैस मान लो जनरल गैस लो ग्राफ ऐसा था तो बहुत हाई प्रेशर पर जो स्लोप था हमने लिखा भी था वो क्या था बी अपन आर टी क्यों कौन सी इक्वेशन अपलीकेबल है ये जेड वर्सेस पी में तो जेड इज इक्वल टू वन प्लस पी बी अपॉन आर टी ये इक्वेशन अप्लीकेबल थी फॉर हाई प्रेशर हाई प्रेशर में तो स्लोप की वैल्यू कितनी हो गई बी अपॉन आर टी तो एक तरीके से क्वेश्चन ने बी अपॉन आर टी की वैल्यू दे दी कितनी तो यहां से क्या बोल सकते हो बी अपॉन आर टी इज गिवन इन द क्वेश्चन एज वॉट जीरो पॉइंट जीरो वन यही हुआ ना हाँ बिल्कुल तो जीरो पॉइंट जीरो अच्छा एट द सेम कंडीशन ऑफ द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन पी वी वर्सेज पी तो जरा पी वी वर्सेज पी में देखें अब आपको एक बात पता है कि पी प्लस पी वी इज इक्वल टू जेड इंटू एनआरटी लिख सकते हो अच्छा इसको चाहो तो ऐसे भी लिख दो इंटू जीरो इंटू प्रेशर ऐसे ही मत लिखो चलो मैं एक बात कहता हूं क्वेश्चन ने कहा है कि वाई इंटरसेप्ट तो का मतलब यहीं पे हो गया भाई जेड इज इक्वल टू पी वी अपॉन एनआरटी तो है तो एट ए गिवेन टेम्परेचर पी वी वर्सेस पी ग्राफ का भी नेचर बिल्कुल वैसा ही होगा और जब प्रेशर टेंडिंग टू जीरो है, वाई इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं प्रेशर के ग्राफ के साथ तो जब हम पी वी वर्सेस जब पी ग्राफ की बात करेंगे वाई इंटरसेप्ट मीन्स ट प्रेशर इजिंग टू जीरो टू जीरो मतलब इंटरसेप्ट कितना होगा बिहेवियर बी आइडियल टॉक अबाउट दर्टिकल इंटरसेप्ट तो दैट मीन्स बिहेवियर आइडियल है तो जेड की वैल्यू क्या हो गई वन तो फिर इंटरसेप्ट कितना हो गया पी वी वर्सेज पी तो हम चाहें तो इसको यूमी लिख दें पीवी इज इक्वल टू जेड एनआरटी प्लस जीरो इंटू पीवी जीरो इंटू पी ऐसे लिख दो तो ये इंटरसेप्ट ही तो है ये पी वी वर्सेज पी का इंटरसेप्ट यही तो है एंड स्लोप इज इक्वल टू जीरो इस पॉइंट पर तो प्रेशर इजिंग टू तो जीरो तो इंटरसेप्ट इज एन आर टी तो इंटरसेप्ट की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में तो इंटरसेप्ट इज एन आर टी और जेड की वैल्यू क्या है वन तो वन इंटू एन क्या दिया था क्वेश्चन में फॉर टू मोल ऑफ गैस आई थिंक या फॉर टू मोल ऑफ गैस आर टी नहीं पता एंड इट इज गिवन फोर्टी तो आर टी की वैल्यू कितनी हो गई ट्वेंटी हो गई यहां से क्वेश्चन में आर टी ट्वेंटी आ गया और अभी अभी हमने क्या वैल्यू फाइंड आउट की थी बी अपन आर टी इजल टू पॉइंट जीरो वन बी आ गया बी पूछ रहे हैं वो तो बी की वैल्यू कितनी हो गई पॉइंट टू यही हो गया लीटर पर मोल दैट्स इट यही है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल यही आंसर और एक बार बी आ गया और बी पता हो तो वेरी क्लियरली यू कैन फाइंड आउट द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स आपको फॉर्मूला पता था क्या बी इज इक्वल टू फोर इंटू एन ए इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब सो लाइक दैट यू कैन सॉल्व एंड फ्रॉम हियर कैन बी डिटरमेंट आप खुद कर लेना एन ए की वैल्यू पता होगी आर वी कैन कैलकुलेट इज गिवन इन द द्वेश्चन एज दिसंट टू लीटर पर मोल। अच्छा लीटर को कन्वर्ट कर लेना जैसे पॉइंट टू लीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो तब सेंटीमीटर में आंसर आएगा ये आर की वैल्यू तो सेंटीमीटर क्यूब मतलब एम एल तो कितना थाउजेंड इज इक्वल टू फोर इंटू सिक्स इन टेंट द्वेंटी थ्री इंटू फोर बाई थ्री पाई इंटू आर क्यूब कैलकुलेट आर आर यहां से कैलकुलेट कर लो ये हजार से क्यों मल्टीप्लाई किया इट हैज बिकम सेंटीमीटर क्यूब पर मोल अब आर किस में आएगा वो सेंटीमीटर में आ जाएगा सो लाइक दैट यू कैन सॉल्व क्वेश्चन टेक वन मोर क्वेश्चन चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं मान ली क्वेश्चन का डेटा में लेता हूं कुछ इस टाइप से रियल गैस के क्वेश्चन तो आसानी होते हैं इफ द अंडरस्टैंडिंग इज देयर इजिली यू कैन सॉल्व क्वेश्चन मान ली क्वेश्चन ऐसा हो एट लो प्रेशर इफ आर टी इज इक्वल टू टू रूट ए पी देन मोलर वॉल्यूम ऑक्युपाइड न मोलर वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई वॉन्टर वॉल्स गैस इज मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चार ऑप्शन भी हैं जैसे टू आर टी अपॉन पी जैसे टू पी अपॉन आर टी एक और ऑप्शन जैसे आर टी अपॉन टू पी जैसे टू आर टी अपॉन पी टू आर टी अपॉन ए मान लो ये सब है तो चलो सॉल्व करें ये भी एक आसान क्वेश्चन है आपको एक बात पता है इन जनरल लो प्रेशर पर आप बी को इग्नोर कर देते हो तो इक्वेशन क्या बन जाती है इक्वेशन बन जाती है पी प्लस ए अपॉन बी एम स्क्वायर माइनस बी को इग्नोर कर दिया जीरो इज़ इक्वल टू आर टी तो यहां से क्या इक्वेशन बन गई पी वी एम प्लस ए अपॉन वी एम माइनस आर टी इज इक्वल टू जीरो हमें मोलर वॉल्यूम की वैल्यू चाहिए तो क्वाट्रेडिक बन जाएगी यहां पर पी वी एम स्क्वायर माइनस आर टी वी एम प्लस ए शुड बी इक्वल टू जीरो तो जरा वी एम की वैल्यू तो निकाल लो आर टी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो गया ये आर टी का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू पी इंटू ए अपॉन टू टू पी यही हुई वैल्यू अब जरा देखो क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ था क्वेश्चन ने ओरिजिन का डेटा दिया था आर टीवल टू ए टू, टू, टू रूट ए पी सिंस आर टी इज इक्वल टू टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू पी एक काम करो आर टी का स्क्वायर करो तो आर टी का स्क्वायर कितना हो गया तो दो चार ए पी फोर ए पी ये भी फोर ए पी ये पूरा डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो हो गया तो डिस्क्रिमिनेंट जो है ये जीरो हो गया तो वी एम की वैल्यू क्या हो गई आर टी अपॉन टू पी दैट्स इट यही आंसर है देखिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है आर टी अपॉन टू पी आर टी अपन टू पी यस दिस इज दन दैट इज इट दिस इज द आंसर सो लाइक दैट क्वेश्चन कैन बी सॉल्व एक और चलिए सवाल ले लेते हैं बड़ा आसान सा क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन कॉमनली पूछे भी जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मैं डेटा ले लेता हूं क्वेश्चन का मान लो इट कुड बी हाँ मान लो ऐसे पूछ लें ए गैस एट टू केल्विन कैलिविन and 15 atmosphere pressure has molar volume molar volume 12% smaller than that calculated than that calculated from ideal law Ideal gas law. Find first compressibility factor, second, uh, molar volume of gas under these conditions. थर्ड वेदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेंट चलिए बताइए ये भी एक आसान सवाल है देखो क्वेश्चन में क्वेश्चन ने कहा है कि गैस एट 250 फिफ्टी केल्विन तो टेम्परेचर दिया है 250 केल्विन प्रेशर दिया है 15 एटमॉस्फेयर मोलर वॉल्यूम 12% परसेंट कम घिरा है तो इसका मतलब मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज 0.88 टाइम्स 12% परसेंट कम है मतलब 88% परसेंट है ऑफ मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस तो इसका मतलब यही तो है जेड यही तो होता है रेशियो ऑफ द मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन एंड मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस तो की वैल्यू पॉइंट साफ दिखाई पड़ गया one, तो अच्छा दूसरा क्या पूछा क्वेश्चन ने क्वेश्चन ने लास्ट में ये भी पूछा है कि मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होगा तो मोलर वॉल्यूम uh, वापस इक्वेशन पीवीएम इज इक्वल टू जेड इनटू आरटी यही तो होती है तो वी एम मोलर वॉल्यूम पूछा है जेट की वैल्यू कितनी पॉइंट एट एट आर बारह ले लेते हैं चलो क्वेश्चन uh, में दिया है अपॉन प्रेशर कितना है फिफ्टीन एटमॉस्फेयर uh, तो थोड़ा सा सॉल्व कर लो देखो इसको अब ये जैसे पांच तीन पांच पचास और ये मान लो सिक्स ट्वेंटी फाइव पच्चीस तो पॉइंट एट एट इंटू ट्वेंटी फाइव अपॉन सिक्स इंटू थ्री अब मान लो ये और तीन बार पॉइंट फोर फोर इसको भी लिखो हंड्रेड अपॉन फोर पॉइंट वन वन ये कैलकुलेशन का आपने अपना तरीका होता है देखो तो पॉइंट वन इंटू हंड्रेड कितना इलेवन अपॉन uh, कितना नाइन लगभग